हम लोग आप लोग दक्षिण की तरह घूमकर खाना नहीं खाते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि दक्षिण की तरह आप खाना नहीं खाए? इसके पीछे क्या रहस्य है? आप वीडियो के अंत तक बन रहे, आपको सारी जानकारी मिलेगी। क्यों नहीं खाते? एक व्यक्ति के अंदर कितने विचार आते हैं साल भर में, यानी कि एक साल में कितने विचार आते हैं जो कि बताएं तो यह किया जाए, यह किया जाए, यह करो, वह करो, कितने प्रकार के विचार आते हैं कोई भी काम करने के लिए, कोई भी प्रक्रिया करने के लिए। 70,000 बार मस्तिष्क में, दिमाग में आता है कि यह काम किया जाए, वह काम किया जाए, 70,000 बार। मैंने कहा दिल के धड़कन जो होता है, जिससे कि कारण आदमी मर जाता है, दिल के धड़कन के कारण ही हार्ट अटैक आता है। इसको अच्छे तरह से रखने के लिए, दिल का धड़कन नहीं पड़े, इसके लिए किस प्रकार के फल खाए जिससे कि हमको दिल का धड़कन कम हो, दिल का धड़कन नहीं होने की अधिक संभावना हो, किस प्रकार के। अब आप अगर लाल फल खा रहे हैं, लाल प्रकार के फल, जैसे कि लाल सेब हुआ, इसी प्रकार का फल खा रहे हैं, तो आपको दिल का धड़कन बहुत कम ही होने का संभावना है। किस वस्तु के अंदर बिना आप हवा प्रवेश किए हुए उसे उड़ा सकते हैं? जैसे कि मैं बताता हूँ कि गुब्बारा हुआ, बिना हवा के प्रवेश हुए उड़ नहीं सकता है। इसी प्रकार प्लेन है, उसमें भी हवा का प्रवेश करना है। पक्षी है और उसे मृत करके उसमें हवा थोड़ा ही थोड़ा भरा जा सकता है, लेकिन किस वस्तु में बिना हवा के वह उड़ता है, उस वस्तु का क्या नाम है? पतंग, काइट, जिसे पतंग है, उसे आप बिना उसमें हवा भरे हुए उड़ता है, आप उसमें कभी भी हवा नहीं भर सकते हैं। दुनिया में अब तक कितने % व्यक्ति है जो कि नहीं कभी फोन किए हैं, यानी कि कॉल किए हैं किसी के व्यक्ति के पास, नहीं किसी का फोन रिसीव किए हैं? दुनिया में कितने % व्यक्ति है जो आज तक रिसीव नहीं किए? जैसे कि आप लोग घर में देखते होंगे कि दादा, दादी, बाबा, ये लोग जो है फोन नहीं कर पाते हैं, नहीं उठा पाते, क्योंकि इन लोगों को समझ में आता ही नहीं है। यहाँ कितने % है? 50% व्यक्ति है जो कि फोन नहीं कर सकते हैं, ना रिसीव कर सकते हैं। हाँ, आप रिसीव करके देंगे तो बात करेंगे, आप फोन करके देंगे तो बात करेंगे। कौन सा मछली है जिसके पास, किस मछली के पास नहीं दिमाग होता है और नहीं खून होता है, यानी उसके पास रक्त नहीं होता है, बिना खून का ही चलता है? आप लोग कहेंगे बिना खून का कैसा होता है? वह समुद्र में रहता है और समुद्र के पानियों से वह अपना काम चलाता है, रक्त का काम करता है। और उसका नाम क्या है? स्टार फिश। स्टार फिश जो आकाश में आप लोग देखते हैं, स्टार यानी कि जो त्रिगण कहा जाता है, उसे उसी प्रकार का होता है तारा, उस प्रकार का समुद्र में होता है स्टार फिश, जो आप लोग वीडियो में देख सकते। सांप जो होता है वह मेढक को या कोई भी जीव कीड़ों को खा जाता है। वह जितने भी हड्डी होते हैं, हड्डी अंदर उसके दांत, वो सबको पचा देते हैं। लेकिन क्या हड्डी को पचा दिए, दांत को पचा दिए, लेकिन किस भी वस्तु को, यानी कि उसके अंग को नहीं पचा पाते हैं सांप? बाल, बाल यानी कि केश जो होता है उसको पचा नहीं पाता है, उस केश को सीधे निकालना ही पड़ता है। और हड्डी और दांत को पचा देता है लेकिन केश को नहीं पचा सकता है। आप लोग तो उल्लू को देखते होंगे, जो उल्लू अपने झुंडों में चलता है, वह झुंड को आप लोग क्या कहते होंगे? बहुत अधिक भीड़ों में उल्लू चल रहा है, आप लोग झुंड कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आप लोग को मैं बताया था कि कंगारू वह झुंड नहीं है, कंगारू का एक ग्रुप है, उसी प्रकार उल्लू जो है वह झुंड नहीं कहे, उसे भीड़ नहीं कहे, उसका एक ग्रुप चलता है उल्लू का, वह ग्रुप बनाकर चलता है, जिधर भी चलता है वह ग्रुप बना के चलता है। पर पृथ्वी पर कितने जंगल हैं, कितने खुले आकाश हैं जहाँ पर जंगल नहीं है, खाली भूमि है, जहाँ पर घर हैं बाकी जंगल हैं, कितने पृथ्वी पर ऐसा है? मैं आपको बताता हूँ गाइज कि पृथ्वी पर 50% जंगल ही है जो कि पृथ्वी के पूरे घिरे हुए हैं, पृथ्वी को पूर्ण रूप से, बाकी में घर और खाली स्थान है, 50% जंगल होते हैं। लोग कहते हैं कि दक्षिण की तरफ से खाना नहीं खाएं, यानी कि दक्षिण की तरफ होकर खाना नहीं खाए। इसके क्या रहस्य है कि दक्षिण की तरफ होकर खाना नहीं खाए? क्या साइंस का कहना है, इसका क्या अर्थ है? मैं आपको बताता हूँ कि आप दक्षिण के समय जितना समय, यानी कि आधा घंटा एक घंटा जो खाना खा रहे हैं, उस समय आपका जो दिमाग है वह उत्तर की ओर है, और उत्तर की ओर गुरुत्वाकर्षण अधिक होने के कारण जो भी
वस्तु रहता है उसको खींचता है, यानी आप दक्षिण की तरफ खा रहे तो आपका जो माथा है मस्तिष्क वहाँ उत्तर की ओर हो जाएगा और आपका जो शक्ति है उसमें से छिन्न हो सकता है। और प्रतिदिन आपके करने से आपका मस्तिष्क का छिन्न होना ही अनिवार्य है, इसलिए लोग कहता है कि आप दक्षिण की तरफ नहीं खाए जिससे कि आपका मस्तिष्क उत्तर की तरफ ना हो सके। मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।